गुड मॉर्निंग एवरीबडी. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डिफ्रैक्शन पैटर्न. द फिनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ द ऑब्स्टिकल एंड द स्प्रेड इनटू द ज्योमेट्रिकल शेडोज इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइट इंटेंसिटी रिजल्टिंग इन डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस दैट इज विद ऑल्टरनेट मैक्सिमम एंड मिनिमम is called the pattern, is called the diffraction, basically diffraction pattern. This is the basically the English, and in Hindi you can say as light ka bent ho raha, thoda sa seedhi chal rahi hai, usse thoda sa bent ho jana, usse jo hai diffraction kaha jata hai, jiske andar geometrical shadows se uski bante hain, usse diffraction pattern kaha jata hai. Diffraction pattern is caused by the interference of innumerable secondary wavelets produced by the unobstructed portion of the same wavefront. Basically, जब अगर light चलती है और उसके secondary wavelets बनते हैं, वो आपस में mix हो करके इस तरीके से interference बनते हैं कि कोई बीच में कोई भी obstruct ना आए, जिससे light को ना रोके, तो वह आप और में मिक्स होके सुपरपोज करके डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाते हैं डार्क और लाइट फ्रिंजेस में. इसका आप डिफरेंस अगर इंटरफ्रेंस में लें, व्हाट इज़ द बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द इंटरफ्रेंस एंड द डिफ्रैक्शन. नाउ इन फिनोमेनन ऑफ इंटरफ्रेंस, द इंटरफ्रेंस अकर व्हेन द टू सेपरेट वेव फ्रंट्स एमर्जेटिंग फ्रॉम अ टू करंट सोर्स, दैट मीन दे रिक्वायर द टू करंट सोर्स. Whereas in diffraction pattern, only the interference occur by the innumerable by the single one without creating any obstacle. That means light जा रही है और बीच में कोई भी obstacle ना हो, तो उस तरीके से जब चली जाती है और कोई भी wave नहीं, तो कोई obstacle, opaque obstacle नहीं है, तो screen पे हमें maximum minimum निकलते हैं, उस pattern को हम diffraction pattern कहते हैं. जैसे पिक्टोरियली आप इस तरह देख सकते हैं, यहाँ आप देखेंगे जब लाइट सोर्स से स्लिट से निकलती है, तो ये इंटरफ्रेंस के केस में होती है, और डिफ्रैक्शन पैटर्न पे अगर ये चलती है, बीच में एक ऑब्स्टिकल्स आ गया और उसके बाद साइड से जब निकलती है वेव, तो ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस निकलते हैं, तो उसे डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है. यहाँ आप देखेंगे कि लाइट चली और यहाँ दो सोर्स हैं, इनसे फिर से वेवलेट बनने स्टार्ट हुए सेकेंडरी वेवलेट्स, और अल्टीमेटली यहाँ पर आपको ब्राइट डार्क फ्रिंजेस मिल रहे हैं. ये पैटर्न जो है आपका इंटरफ्रेंस पैटर्न है. और डिफ्रैक्शन पैटर्न देखिए, इंटरफ्रेंस पैटर्न एक और तरीके से देख सकते हैं हम इसे. यहाँ ये देखिए, लाइट आ रही है स्लिट से पास ही, और अल्टीमेटली डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस यू ऑब्टेन. तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस है. यहाँ आप देखेंगे कि ये इंटरफ्रेंस पैटर्न है जब स्लिट से जाती है, और डिफ्रैक्शन पैटर्न में आपको कहते हैं यहाँ पे हमने स्लिट रख दिया, एक ऑब्स्टिकल रख दिया है, लाइट इधर से गई और इससे जो एज है इनसे टकरा करके इधर इधर गई, और हमको पैटर्न मिलता है डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस का. इस तरीके का पैटर्न जो मिलता है उसे हम डिफ्रैक्शन पैटर्न कहते हैं. इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन में एक तो ये मेनली डिफरेंस है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ. दूसरा हम कहते हैं द इंटरफ्रेंस पैटर्न द रीजन ऑफ अ मिनिमम इंटेंसिटी आर यूजली ऑलमोस्ट परफेक्टली डार्क, वेयर एज इन डिफ्रैक्शन पैटर्न इट इज़ नॉट डार्क. डिफ्रैक्शन पैटर्न में आपको बिल्कुल डार्क फ्रिंजेस नहीं मिलती हैं, इंटरफ्रेंस में ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस मिलती हैं. ये खास बात है इंटरफ्रेंस की. और आप ये कह सकते हैं इंटरफ्रेंस फ्रिंज आर यूजली ऑफ इक्वली स्पेस्ड, यानी कि जो बीच में स्ट्रिप्स बनेंगे, फ्रिंजेस जो रहती हैं वो इक्वी साइज की बनेगी, यानी उसमें कुछ भी फर्क नहीं आएगा. मगर इंटरफ्रैक्शन पैटर्न कोई बड़ी होगी कोई छोटी होगी, इस तरीके से आएंगे, एंड दे आर नेवर बी इक्वली स्पेस्ड. इन इंटरफ्रेंस पैटर्न ऑल द ब्राइट फ्रिंजेस आर इक्वली इंटेंसिटी. आप देखेंगे कि ब्राइट फ्रिंजेस जो होंगे उनकी इंटेंसिटी भी बराबर होगी, मगर
डिफ्रैक्शन पैटर्न में ऐसा नहीं होता। सेंट्रल वाली जो होती है, सेंट्रल फ्रिंज इज़ मैक्सिमम एंड इट कंटिन्यूसली डिक्रीज इन द ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा इंटेंसिटी ऑन ईदर साइड ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज। यानी सेंट्रल फ्रिंज से जो अप एंड डाउन जाएंगी उनकी फ्रिंजिस की जो इंटेंसिटी है, यानी इंटेंसिटी यानी कि लाइट कितनी आ रही, लाइट पर यूनिट एरिया, या और किनसे तो इंटेंसिटी मीन द लाइट पर यूनिट एरिया, कितनी लाइट उस एरिया से क्रॉस कर रही है, वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होती रहती है। पिक्टोरियली मैं ऐसे दिखा सकता हूँ इसे। यहाँ आप देखें कि मैक्सिमम इंटेंसिटी और साइड में लेफ्ट या राइट जाने पे इंटेंसिटी इसकी डिक्रीज होती जा रही है। इस तरीके पैटर्न को हम डिफ्रैक्शन पैटर्न कहते हैं। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, सो दैट दे गेट माई वीडियोज इन हिंदी एंड इंग्लिश। आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे आपको आसान भाषा में फिजिक्स समझने वाले वीडियोज़ हिंदी और इंग्लिश में मिलते रहें। थैंक यू।